चलिए आज जानते हैं कि ब्रिक्स सम्मेलन से पहले भारत और चीन में युद्ध विराम के क्या है मायने। दरअसल ब्रिक्स सम्मेलन से पहले भारत और चीन के बीच युद्ध विराम या तनाव में कमी कई लाभ दे सकता है, विशेष रूप से इन प्रमुख पहलुओं पर, जैसे नंबर एक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता। भारत और चीन दोनों ब्रिक्स के प्रमुख सदस्य हैं, उनके बीच तनाव कम होने से क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता को बढ़ावा मिल सकता है। इससे ब्रिक्स के अन्य सदस्य देशों को भी भरोसा मिलेगा कि प्रमुख सदस्य देशों के बीच टकराव नहीं है और यह संगठन की कार्यक्षमता को भी मजबूती देगा। नंबर दो, सम्मेलन की सफलता। युद्ध विराम या तनाव कम होने से दोनों देशों के नेता सम्मेलन में खुलकर आर्थिक सहयोग, व्यापारिक संबंधों को बेहतर बनाने और जलवायु परिवर्तन, विकास और वैश्विक शासन से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित करने पर ध्यान देंगे। इससे संगठन को अपने उद्देश्यों को पूरा करने में मदद मिलेगी। नंबर तीन, समान हितों पर ध्यान केंद्रित। ब्रिक्स सम्मेलन में आर्थिक विकास, निवेश और वैश्विक चुनौतियों से निपटने पर जोर दिया जाता है। यदि भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव कम होता है तो वह इन मुद्दों पर सहयोग करने और अपने साझा हितों को बढ़ावा देने में सक्षम होंगे। नंबर चार, आंतरिक स्थिति पर सकारात्मक प्रभाव। दोनों देशों में घरेलू स्तर पर भी शांति बनाए रखने का महत्व है। सीमा पर तनाव कम होने से सरकारें अपने देश के आर्थिक और सामाजिक सुधारों पर अधिक ध्यान दे पाएगी, जो उनके नागरिकों के लिए सकारात्मक साबित हो सकता है। नंबर पाँच, वैश्विक छवि और नेतृत्व। ब्रिक्स सम्मेलन में शांति और सहयोग का संदेश देने से भारत और चीन की वैश्विक छवि सुधरेगी। इससे वे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर शांति, कूटनीति और विकास के पक्षधर नेता के रूप में उभर सकते हैं। कुल मिलाकर ब्रिक्स सम्मेलन से पहले युद्ध विराम दोनों देशों के लिए राजनीतिक और आर्थिक रूप से लाभकारी हो सकता है, जिससे सम्मेलन की उत्पादकता और वैश्विक शांति प्रयासों को भी बढ़ावा मिलेगा। अब हम आपको बताते हैं कि ब्रिक्स सम्मेलन में भारत के शामिल होने से अमेरिका नाराज क्यों है। दरअसल ब्रिक्स ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका का एक समूह है, जिसमें उभरती हुई अर्थव्यवस्था और विकासशील देश शामिल हैं। भारत के ब्रिक्स में शामिल होने पर अमेरिका की नाराजगी के कुछ संभावित कारण हो सकते हैं, जैसे नंबर एक, अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती। ब्रिक्स समूह का उद्देश्य अमेरिकी वर्चस्व वाली विश्व व्यवस्था को चुनौती देना और एक बहुध्रुवीय वैश्विक प्रणाली की ओर बढ़ना है। इस समूह के देश मिलकर वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक मजबूत भूमिका निभाना चाहते हैं, जिससे अमेरिकी प्रभाव कमजोर हो सके। नंबर दो, रूस और चीन के साथ संबंध। ब्रिक्स में रूस और चीन भी शामिल हैं, जो वर्तमान समय में अमेरिका के रणनीतिक प्रतिद्वंदी माने जाते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध और चीन अमेरिका व्यापार युद्ध के चलते अमेरिका इन देशों के साथ संबंधों में तनाव महसूस कर रहा है। भारत का इन देशों के साथ आर्थिक और कूटनीतिक रूप से जुड़ना अमेरिका को असहज कर सकता है। नंबर तीन, डॉलर का विकल्प। ब्रिक्स सदस्य देश अमेरिकी डॉलर के प्रभाव को कम करने के लिए वैकल्पिक वैश्विक मुद्रा प्रणाली पर काम कर रहे हैं। इससे डॉलर की भूमिका कम हो सकती है, जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए चिंता का कारण है। नंबर चार, अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव। ब्रिक्स के जरिए भारत अन्य देशों के साथ मिलकर वैश्विक मंच पर अपनी आवाज़ को मजबूत कर रहा है। अमेरिका चाहता है कि भारत उसके साथ रहे और अमेरिकन नेतृत्व वाली संस्था जैसे G7 में सक्रिय भूमिका निभाए, लेकिन ब्रिक्स में सक्रियता से भारत का झुकाव एक स्वतंत्र और बहुपक्षीय नीति की ओर दिखता है। हालांकि भारत और अमेरिका के रिश्ते मित्रतापूर्ण बने हुए हैं और अमेरिका भी भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी को बनाए रखने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रिक्स के कुछ पहलू अमेरिकी हितों के विपरीत हो सकते हैं। तो इसके बाद अब हम आपको बताते हैं कि ब्रिक्स देशों के पास कितना पैसा है। दरअसल ब्रिक्स देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका की आर्थिक शक्ति और उनके पास मौजूद संपत्ति का आकलन उनकी संयुक्त GDP, सकल घरेलू उत्पाद और विदेशी मुद्रा भंडार के आधार पर किया जा सकता है। 2023 तक इनकी संयुक्त आर्थिक स्थिति इस प्रकार है। जैसे नंबर एक, संयुक्त GDP। ब्रिक्स देशों की संयुक्त GDP लगभग 25 से 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के बीच है, जो दुनिया की कुल GDP का लगभग 25% से का हिस्सा है। नंबर दो, विदेशी मुद्रा भंडार। ब्रिक्स देशों के पास विदेशी मुद्रा भंडार भी काफ़ी है, जिसमें चीन के पास सबसे अधिक भंडार है। चीन के पास लगभग 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का विदेशी मुद्रा भंडार है। अन्य ब्रिक्स देशों के भंडार भी महत्वपूर्ण हैं, जैसे रूस लगभग 500 बिलियन डॉलर, भारत 500 से अच्छे 600 बिलियन डॉलर, ब्राज़ील लगभग 300 से 350 बिलियन डॉलर, दक्षिण अफ्रीका लगभग 50 बिलियन डॉलर। यह आंकड़े समय समय पर बदलते रहते हैं, लेकिन कुल मिलाकर ब्रिक्स का एक महत्वपूर्ण आर्थिक शक्ति समूह है, जो वैश्विक वित्तीय और व्यापारिक परिदृश्य में अहम भूमिका निभाता है।